हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेजी प्रिया। तो चलिए आज करते हैं अनबॉक्सिंग इस एक बड़े से पार्सल की जो मुझे रिसीव हुआ है फ्लिपकार्ट से। तो आप सोच रहे होंगे कि इस डब्बे के अंदर क्या है, तो जल्दी से कर लीजिए ट्यून मेरे इस चैनल को और मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस बॉक्स में क्या है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, ये है एक फर्नीचर फ्रॉम फ्लिपकार्ट। और इसके पहले भी मैंने एक फर्नीचर का शॉपिंग हॉल शेयर किया था, आप साइड में देख सकते हैं, मेरा बच्चा उस चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगी, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। और वो काफ़ी यूजफुल मेरे लिए रहा और प्रोडक्ट भी अच्छा है। साथ में करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, टाइम लैप्स वीडियो होगा ये, और ये बहुत छोटा सा वीडियो है 3 मिनट का, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, बेल को हिट करना मत भूलिएगा। साथ में इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग भी होते जा रही है और आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली पैक होकर आया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, फोम शीट है, बबल रैप है, कार्टन के साथ भी पैक है। तो पैकेजिंग मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपको ये डाउट ना हो कि ये कैसे पैक होके आएगा, क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रोडक्ट अब ओपन हो चुका है और पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छी वाली थी, साथ में प्रोडक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब तक। तो साथ में मैं आपको एक मैजिक इसका रिवील करती हूँ जो इसके अंदर है और मुझे प्रोडक्ट के टाइम पता नहीं था जब मैं परचेज कर रही थी, और ये मुझे विद इन स्टिपुलेटेड टाइम रिसीव हुआ है। ये है इसके अंदर एक स्टोरेज बॉक्स जो कि जब मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया तब मैंने देखा, और ये अच्छा खासा डेप्थ वाला है। और इस स्टोरेज में आप आराम से 7-8 कुशन कवर, थ्रो, कारपेट या मैगजीन या कुछ भी ऐसा सामान जो आपको अपने डाइनिंग एरिया में रखना है बट उसको आपको सेफली रखना है तो स्टोर कर सकते हैं। साथ में आपको इसके मिलते हैं यहाँ पे 4 लेग वाले पोर्शन, और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखो ये इस तरीके से है, इसको हमें इसमें असेंबल करना होगा। तो चलिए मैं असेंबल करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से मुझे लेग मिला जब मैंने इसको ओपन किया। इसके लिए मैं थम्स डाउन दूंगी क्योंकि इस तरीके का लेग मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो उसका बेस है, बट ठीक है, जो उन्होंने दिया है प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक है। आप इसे पेंट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, मैं इसे बाद में कभी गोल्डन कलर की स्प्रे पेंट से पेंट कर लूंगी, तो थोड़ा सा ये स्टडी लगेगा, थोड़ा सा क्लासी लगेगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। विद है इसकी 45.72 mm, हाइट 81.28 mm, डेप्थ 137.16 mm, वेट 60 kg ले सकता है, 1 ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है इसमें। 2-सीटर बेंच सीट सोफा इसे आप कह सकते हैं। इसको क्लीन करने के लिए सिंपली आपको एक डैम्प क्लोथ और कुछ माइल्ड मटेरियल से आप इसको इजीली क्लीन कर सकते हैं। क्रिस्टल फैब्रिक सोफा है, रेक्टेंगुलर शेप में है, इट्स अ DIY प्रोडक्ट, और इसका कैंसिलेशन बुकिंग के 24 आवर्स के बाद अलाउड नहीं है। 24 आवर्स के अंदर आप इसका कैंसिलेशन कर सकते हैं। इसे आप लिविंग रूम, बेडरूम, ऑफिस कहीं भी यूज कर सकते हैं, सो इट्स अ परफेक्ट डील। मैं इसे अपने लिविंग रूम में यूज कर रही हूँ और एज पर नीड मैं इसको चेंज करती रहूंगी। इसको डिकोर करने के लिए मैंने इसके साथ एक लाइट कलर के कारपेट का यूज किया है, साथ में कंट्रास्ट कुशन कवर का यूज किया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसका फैब्रिक जो है वेलवेट का है, सनिल का फैब्रिक है, तो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट है और ब्लू कलर का है, और ब्लू कलर का ही एक मैंने एक्सेंट चेयर भी मंगाया था, वीडियो का लिंक आपको एंड में मिल जाएगा। तो ये है इसका फाइनल लुक, काफी स्टडी, काफी अच्छी क्वालिटी है, ब्लू कलर का है, कलर भी बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।